ओह माय गॉड, सौरव गांगुली से मिलने का मौका। जी हां, इस 28 से 31 मार्च टेस्टबुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया आखिरी मौका सेल और दादा से मिलने का मौका। सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और तो और 2 साल की वैलिडिटी वाला टेस्टबुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹279 में। तो अगर आप SSC, बैंक, टीचिंग, इंजीनियरिंग, UPSC, स्टेट PSC, डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। हेलो, हाय, वेलकम टू टेस्टबुक सुपर कोचिंग। कैसे हैं आप सब? सेशन लाइव हो चुका है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो आदित्य, स्मृति, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सेशन लाइव हो चुका है। क्वांटिटी कंपैरिजन पर बेस्ड ये क्लास, ठीक है? सब बढ़िया हैगा जी, एवरीथिंग इज एकदम कूल। वेलकम टू टेस्टबुक सुपर कोचिंग। हाँ जी, अब आप मेरे को दिखने लग गए हो। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया। हेलो नेहा प्रवीण जी, यस सेशन लाइव है, आवाज़ क्लियर आ रही है। जल्दी से लिंक को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वांटिटी कंपैरिजन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आती हूँ, शायद ट्राई करिएगा। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, फिर आगे बढ़ती हूँ। सुपर कोचिंग 31 मार्च तक मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर दे रहा है आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम के पेड कोर्सेज पर। 674 रुपीज़ में आपको बैंकिंग एग्जाम का पेड कोर्स मिल रहा है। ये 31 मार्च तक है, 1 अप्रैल से रेट हो जाएंगे महंगे। सुपर कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप कूपन कोड गोपिका यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा सौरव गांगुली जी से मिलने का मौका, ठीक है? ऐसा आपके लिए अद्भुत अद्भुत कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं, जिससे आप खुश भी रहें, ठीक है, पढ़ते भी रहें, एंजॉय भी करें लाइफ को, ठीक है? चलिए, पेरीपोना जी, पेरीपोना, मैक्सिमम डिस्काउंट को हाथ से जाने मत दीजिए, मिलिए सौरव गांगुली सर से। टेक्सटबुक सुपर कोचिंग में 674 में पूरा पेड कोर्स 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, सारे एजुकेटर की क्लासेस, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है। कूपन कोड गोपी का यूज करना पड़ेगा। ये फुटर की विड्थ बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है? बात तो तुमने जो बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, क्वांटिटी कंपैरिजन पर बेस्ड। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है? मैं साइड में लिख दूंगी। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एक ऑप्शन मैं लिख देती हूँ। 5th ऑप्शन है क्वांटिटी 1 इज मोर देन क्वांटिटी 2, ठीक है? ये है 5th ऑप्शन। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 7:6। 4 more boys join the group and 3 girls leave the group. The ratio of boys to girls will become 4:3. What is the number of boys and girls initially in the group? Quantity 2 बोल रही है 50 less had applied and 25 less had selected. The ratio of selected to unselected would have been 9:4. How many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1? जल्दी प्लीज, फास्ट प्लीज। बोलो इंडिया, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बता रहे हो क्या? कोई है जो जल्दी जल्दी बता सके? मैं समझाऊं? आप अच्छे से जानते हैं, इस पे लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कंपैरिजन करिए, फाइनल आंसर बताइए कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में कौन बड़ा है, कौन कितना है। भैया मुझे आंसर चाहिए, एक एक करके नहीं बताइए। देखो कितने चलाक हो, जान करके कवर करने के लिए ना एक एक करके आंसर बता रहे हो, उसी में टाइम चला जाएगा। इधर देखो पहला क्वेश्चन, मुझे भगत जी बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7:6 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7:6 है। फिर कहता है 4 लड़के और ज्वाइन करवा दो, लड़के 4 बढ़ा दो, लड़कियां 3 भगा दो। बॉयज और गर्ल्स का नया रेशो 4:3 आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इनिशियली इन द ग्रुप पूछ रहा है, ठीक है? इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, बॉयज और गर्ल्स की रिलेशन बताइए। आइए जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए जी। 21 24 माइनस का 12 लिखना है, लिख लीजिए, प्लस का 12। आपको पता है जब नेचर डिफरेंट होता है, प्लस माइनस होता है, तो ये ऐड हो जाते हैं नीचे वाले, है ना। ऊपर 3 यूनिट का गैप है ब्रो, 3 यूनिट का गैप है। कैलकुलेटिव आया था डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू मेंस के अंदर क्वांटिटी कंपैरिजन वाज कैलकुलेटिव। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 24 बोल दूं, 3 यूनिट की वैल्यू 24 बोल दूं, 1 यूनिट की वैल्यू 8 बोल दूं। 24 क्यों? ऊपर का डिफरेंस 3 यूनिट, नीचे का डिफरेंस 24 हो गया, 12 12 जुड़ जाएंगे, 24 बन जाएगा। 1 यूनिट 8 के बराबर। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इनिशियली इन द ग्रुप। जीना जी 13 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है जी। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 104 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 104 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड ग्रुप्स 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 104। ठीक है जी, 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 104। लड़के लड़कियों की इनिशियल टोटल स्ट्रेंथ 104 है। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाऊं, हटा दो इसको, मेरे पास जगह की कमी है जी। अब मुझे सेकंड स्टेटमेंट में मेहनत करने दीजिए आप सब। आइए जरा साथ प्रस्थान करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है 50 लेस हेड अप्लाइड एंड 25 लेस हेड सिलेक्टेड। सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड की रेशियो दी हुई है 9:4। ठीक है, फिर कहता है 50 लेस हेड अप्लाइड, अप्लाइड में 50 लेस हो जाए और सिलेक्टेड में 25 लेस हो जाए। मैं इसको घुमा के अप्लाइड टू सिलेक्टेड बना दूं, क्योंकि तुम अप्लाइड में कम और सिलेक्टेड में कम कर रहे हो, तो मैंने कहा चलो मैं भी अप्लाइड सिलेक्टेड खेल जाती हूँ। अगर 9 बच्चे सिलेक्ट हुए, 4 अनसिलेक्ट हुए, तो मतलब अप्लाइड कितने हुए होंगे? 13, जिसमें से सिलेक्शन हुआ 9 का। अप्लाइड में 50 कम हो गए, सिलेक्टेड में 25 कम हो गए। ठीक है, तो अप्लाइड टू सिलेक्टेड का नया रेशो क्या आ गया? सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशो 2:1 हो गया। इसका मतलब अप्लाइड टू सिलेक्टेड का हो जाएगा 3:2। चलेगा? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो वैल्यू है ना वो अप्लाइड और सिलेक्टेड के बारे में बोल रखा है, तो मैंने भी क्वेश्चन को वैसे घुमा दिया। कोई परेशान नहीं है तो बोलो। आओ इंडिया खेले। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 26, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 27, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100। नेचर बिल्कुल सेम है, डिफरेंस होगा। ऊपर का डिफरेंस 1 यूनिट, नीचे का डिफरेंस 25। क्या ख्याल है बॉस? ऊपर का डिफरेंस 1 यूनिट, नीचे का डिफरेंस 25 25 25 25। बोलो सही बात है? ये 75 लिखा है मैंने। पूछा क्या गया नीचे? फाइंड द अप्लाइड कैंडिडेट्स, अप्लाइड कैंडिडेट्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई अप्लाइड कैंडिडेट्स कितने हैं? 13 है 13 13 13 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। साफ साफ समझ में आ रहा है, पूरा सोल्व करके फालतू परेशानी ना दे खुद को। ये 13 × 8 था, ये 13 × 25 है, क्यों? गुना करके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं क्या मल्टीप्लाई करने के? 13 की वैल्यू पूछ रहा है, 13 × 25 करोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है जी। वैसे तो 260 में 65 जोड़ दिया, 325 हो जाए। क्या तुम्हारा आंसर सही नहीं है? तुम्हारा 325 क्यों नहीं आ रहा? 375 क्यों आ रहा है? मैंने कुछ गलत लिखा है? मुझको तो मैं ठीक लग रही हूँ। क्या हमने कुछ गलत लिखा है? अप्लाइड ही पूछ रखा है ना। तुम 375 क्यों लिख रहे हो, मैं जानना चाहूंगी। जी हाँ जी ना जी दसो जी। 50 लेस हेड अप्लाइड, 25 लेस हेड सिलेक्टेड। रेशो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड है, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड है। सब कुछ तो सही है। प्रीवियस रेशो 2:1 है। हाँ ये बात है, मैंने उल्टा लिखा है ना, वही बोल रही हूँ। रुको सुनिए दोस्त, वुड हैव बीन दिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वुड हैव बीन दिस इनिशियल, दिस फीलिंग तो आई गई थी, ठीक है, कुछ लिखने में गलती हुई होगी, या पहले ये थी बाद में ये हुई है, तो मुझे सही से लिखना चाहिए। 3:2 ऊपर लिखूंगी है ना, और नीचे 13:9 लिखूंगी। अब ठीक है, 27 ये हो जाएगा, 26 ये हो जाएगा, नहीं तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। इधर क्या था ब्रो? 50 लेस और थे, 25 लेस थे। देखो इंग्लिश की नॉलेज तुम्हें ज्यादा है, ठीक है। सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन दिस इनिशियल, इट वाज दिस। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है समझ दीजिए। चलिए सब कुछ सही है, बस ये ऊपर आना था। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए। ऊपर एक यूनिट, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 75 हुआ। ठीक है ब्रो, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई भी तो ध्यान से करना पड़ेगा। फिर नीचे आएगा ना, वुड हैव बीन दिस वाज दिस, 3 2 सही है, 13 9 सही है। अब मल्टीप्लाई भी थोड़ा चोखे तरीके से करना पड़ेगा। रुको, यहाँ 450 बनेगा भाई मेरे, तुक्के मत मारो तुम लोग, 450 बनेगा। 13 × 25 करिए, अभी जो मैंने किया था वही आएगा। 260 में 65 जोड़ोगे 325 आएगा। अब सब कुछ सही है, देख रहे हो तुम सारे, ये कोई बात नहीं है, जो भी है 2 बड़ा है, पूरा सोल्व तो सही करना पड़ेगा ना। ऊपर हेल्प करो, नीचे हेल्प करो, डिफरेंस होएगा, मेरी मदद तुम लोग करो। ऊपर 1 यूनिट का डिफरेंस है, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो बोल दो। ऊपर 1 यूनिट का डिफरेंस है, नीचे कितना डिफरेंस है, 125 का है ब्रो, नीचे 125 का डिफरेंस है। इसने बोला है ये 3 की वैल्यू बता दो, तो अब ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी। 375, अब ठीक है, ये 375 है, वो 104 है, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 है। उल्टा ऑर्डर लिखने से सब कबाड़ा हो गया था, अब ठीक है, अब सब कुछ सही है। वो मैंने एक्चुअल में इसको पहले लिख दिया था, इसको बाद में लिख दिया था, तभी ऐसे हो गया था। अब ये ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए कमर जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ले आइए। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपेयर करिए। चलिए, ऐसे मत किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मुबारका जी मुबारका। एओएस जी 324 325 नहीं आएगा, गलत लिखा था हमने पहले, अब हमने सही लिखा है, अब हमने सही लिखा है, पहले हमने सही नहीं लिखा था। करिए क्वेश्चन। An article is sold for rupees this much after 2 successive discount of 20% and X% on mark price. The mark price of the article is this much. What is the value of X? सुन रहा है ना तू? क्वांटिटी 2 है, the mark price is this. After giving 20% discount, profit is ₹32, gain % बता दीजिए। जल्दी से कंपेयर करिए, यहाँ पे आपको दोनों परसेंटेज को कंपेयर करना है। X% है ये और ये gain % है, आपको दोनों परसेंटेजेस को कंपेयर करके बताना है कौन बड़ी कौन छोटी। बताओ, थुड़का थुड़का जल्दी जल्दी बताओ, बोलो बोलो। बता रहे हो? मैं समझाऊं? आपने एक आर्टिकल को बेचा है 680 में, 2 डिस्काउंट दिए, एक 20% का, X% का। आर्टिकल 1000 का टैग पर है। नॉर्मल तरीके से देखते हैं, 1000 रुपये टैग है आर्टिकल के ऊपर, 1000 रुपये की चेप्पी लगी हुई है। पहला डिस्काउंट 20% डायरेक्ट लगा दो, ये 200 रुपये सस्ती हो गई, 800 की हो गई। पहला ऑफ लगाते ही चीज 800 की हो गई, एक डिस्काउंट और मिला और आपने आर्टिकल को 680 में खरीदा। आपको एक डिस्काउंट और मिला है, आपने आर्टिकल को 680 में खरीदा है, तो मुझे बताइए दूसरा डिस्काउंट आपको कितना दिख रहा है? आप बोलोगे 120 नजर आ रहा है, थोड़का थोड़का। ठीक है जी, दूसरा डिस्काउंट कितना दिख रहा है ब्रो? 120 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है 800 पर। तो आप साफ साफ इसको नॉर्मल तरीके से भी सोल्व कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट दिख गया होगा। 15 का डिस्काउंट है, क्वांटिटी 1 है 15, एक्स की वैल्यू 15% है। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड को निकाले, और सेकंड पे भी खेल जाते हैं। पहला तो समझ में आ गया होगा, आपने 1000 रुपए की चीज पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिए हैं। पहला डिस्काउंट आपने लिया 20% का, तो 1000 की चीज 800 की हो गई। फिर एक डिस्काउंट आपको मिला X% का, जिससे वो चीज 680 की हो गई, तो 120 का डिस्काउंट 800 पे मिल रहा है, मतलब कि 15% का ऑफ हो गया। सेकेंड ऑफ देख लेते हैं, MRP 400 है, MRP बाबूजी 400 है। आपने 20% ऑफ पर आर्टिकल खरीदा, इसका मतलब आपने आर्टिकल 320 का खरीदा। आर्टिकल का एसपी 320 रहा होगा, आपने जिससे खरीदा उसने आपसे प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 32 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 32 रुपए का प्रॉफिट कमाने का क्या मतलब हुआ? इस आर्टिकल का सीपी क्या होगा? 288। ठीक है, 288 प्रॉफिट हो गया। नहीं जी, ध्यान से करो जी। तो आपको 32 का प्रॉफिट दिख रहा है 288 पर। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, 1/9 इज द प्रॉफिट परसेंट एंड 1/9 इज 11.11%। सबको पता होगा कि 1/9 को 11.11% बोला जाता है, और 11.11% मतलब 11:1/9%, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा क्वांटिटी 1 इज मोर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर फिफ्थ। 15 से तो 11 बड़ा ही है ना, समझे बिडू? बात दिमाग के अंदर गई या नहीं गई? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। इससे पहले वाला मेथड जिसको नहीं आता ना, वो एक बार मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वीडियो जरूर देखें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि वो मैंने क्या सोल्व कर दिया था। कि ये तो आ गया ना समझ, एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दे के बेचा तो 400 का 20% 80 डिस्काउंट आर्टिकल 320 का गया। आपने कहा बंदे को 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो सीपी कितना हो गया 288, 32 का प्रॉफिट 288 पर। वेरी गुड है जी, वेरी गुड है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज करिए। अरे भैया पहले में प्रॉफिट परसेंट पूछा था, हाँ तो क्या हो गया? पहले में एक्स की वैल्यू पूछी थी, प्रॉफिट कहाँ पूछा था? डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और x% की। आप प्रॉफिट परसेंट तो बता ही नहीं सकते, आपको सीपी थोड़ी ना पता है। रोज जल्दी कहाँ पूछा नहीं है, परसेंटेज को तो कंपेयर कर सकते हो ना, नेचर तो सेम है ना, परसेंटेज में टर्म्स है ना। रुपीज को रुपीज से कंपेयर, परसेंटेज को परसेंटेज से कंपेयर तो कर सकते हो ना। अ डीलर सोल्ड 6 विंग मशीन्स ₹4 दिस मच विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। हाउ मच शुड ही सेल, ऐसा पूछ रहा है। For how much should he sell 8 such swing machine to get 15% profit? और एक विलेज ट्रेडर ने एक घोड़ा और एक कैमल इतने रुपए में खरीदे हैं। घोड़े को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, कैमल को 20% लॉस पर बेच रहा है। दोनों एनिमल को सेम प्राइस पर बेच रहा है, चीपर एनिमल का कॉस्ट पूछ रहा है। थोड़ा अंदाजा भी लगा लिया करो, पूरा सोल्व करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। पुड़का पुड़का अंदाजा भी लगा सकते हो ब्रो। बोलोज मैं समझाऊं कैसे? सुनो, पहली वाली इक्वेशन तो ये हो गई कि 6 मशीन बेची, 5% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 105% पैसा नीचे लिख दो, दिखाया हुआ है ना, जितने में बेची वो नीचे। फिर एक लाइन और होगी, उसमें कुछ गायब पाएगा। आप 8 मशीन को 115% पर बेच के पूछ रहे हो कितने की मशीन बिकेंगी। इक्वेशन समझ में आई? इक्वेशन समझ में आई नहीं? 6 मशीन खरीदी, 105% प्रॉफिट आया, एसपी सामने था मैंने नीचे लिख दिया। 6 मशीन के सीपी पर 105% प्रॉफिट हुआ और वो मैंने माल बेचा 63,000 का। 8 के सीपी पर मैं 115% प्रॉफिट बेचने के लिए कितने में माल बेचूं, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, इसको मैंने नीचे लिख दिया 1 के बराबर, इसका माल भी पैसा नीचे या 1 के बराबर। आमने सामने लिख के सोल्व कर रहे हो, ठीक है? समझ गए अब तो? आइए सोल्व करते हैं, तो बड़े आराम से निकल जाएगा ये सॉल्यूशन। परसेंट से 2 काट दिया, ठीक है ब्रो? एक काम करो, इसको के मान के ही चलो, के में आंसर आएगा। 21 पंजे 21 दिए, ये 2 पे कट गया। और बताओ, 5 कहेगा मेरा मदद ले लो, 2 कहेगा मेरी भी मदद ले लो, 92,000 आएगा। इसका आंसर 92,000 आएगा। अब मुझे नहीं लगता नीचे वाला सोल्व करने की कोई जरूरत है, नीचे वाला सोल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ी जगह तो दिमाग भी यूज करोगे, क्यों नहीं है जरूरत भाई साहब? 2 मैं दूसरा सोल्व तो कर दूंगी तुम्हारे कहने पर, लेकिन दूसरी जो क्वेश्चन में है, कुल मिला के तुम्हारी जेब से गए 51,000 है। तुम 92 पार कैसे कर लोगे? 51 को भी तुम्हें 2 ऑप्शन में तोड़ना है, तुम्हें घोड़े के और कैमल के कोस्ट प्राइस में उसे तोड़ना है। तुम कितना ही दम लगा लो, आखिरी दाम अगर चलो एक चीज फ्री की भी आ गई तो भी 51 तक जाएगी। क्वांटिटी 1 इज मोर देन क्वांटिटी 2, ये थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो भैया, कॉमन सेंस से हो जाएगा फर्स्ट का आते ही। लेकिन इतनी किस्मत अगर अच्छी हमारी पेपर में ना हुई, फिर ये तो वैसे भी समझ जानी चाहिए थी आपको बात, ठीक है? इतनी नहीं बन पाई हमारी कहानी पेपर के अंदर, ना दिमाग में आया, सॉल्यूशन करना तो आना चाहिए ना। देखिए, हॉर्स पर आप 25% प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी हॉर्स के कोस्ट प्राइस, हॉर्स और कैमल का कोस्ट प्राइस कुल मिला के 51,250 है। ये आपकी जेब से खर्चा हुआ है। कोई बात नहीं वैस जी, मैं ये कह रही थी कुल मिला के मेरा खर्चा जो हुआ है ना वो हुआ है 551,250। मैंने हॉर्स को 25% प्रॉफिट पर मार्केट में बेच दिया, यानी हॉर्स पर आएगा, हॉर्स के एसपी बन जाएगा उसके कॉस्ट प्राइस का 125%। और कैमल पर हुआ अपने को 20% लॉस, यानी कि आपने कैमल को बेचा है उसके कॉस्ट प्राइस की 80%। यहाँ से आप हॉर्स और कैमल के कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल दीजिए, एसपी सेम कर दिया आपने, इसका कॉस्ट के ऊपर 125% इसका एसपी होगा, कॉस्ट पर 80% ही एसपी होगा क्योंकि 20% का नुकसान हुआ है। यहाँ से 80 के बाय में 125 डालो, 5 के टेबल को इस्तेमाल में ले लो। अब तुमने बोल तो रखा है कि टोटल सोल्व करके दिखा रही हूँ तुम्हारे लिए, 41 बराबर है 51250 के। आप क्या ढूंढ रहे हो? चीपर एनिमल यानी हॉर्स, निकाल दो 51250 अपॉन में 41 इंटू 60, 41 102 जाएगा। उसके बाद किस पर भेजूं? 3 पर तो नहीं भेज सकती, किस पर भेजूं? 102 है, 41 3 जाएगा नहीं ना, 41 करके बताओ ये क्या बन रहा है, तुम कैलकुलेट। 10 बनेगा ना, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद 41 2 जाए भेजूं क्या? 82 हुआ, फिर 105 बना, 205, फिर 5 पर जाएगा। यस, इट इज 1250 इंटू 60। तो भाई साहब 2,500 इंटू 8 कर दो, 5,000 इंटू 4 कर दो, 20,000 रुपये कर दो, खत्म कहानी है, खत्म। 20,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है, कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं था, वैसे तो बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया बिडू? ओ बिडू जल्दी करो, समझ गए हो प्रभु? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाइक शेयर तो कर दो। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 7 square meter less than half the area of the rectangle. Length of rectangle is 14 meter and breadth is 6 meter less than its length. What is the parameter of the square? Quantity 2. Parameter of square is twice the parameter of rectangle. Parameter of square is 48 centimeter. Length of rectangle is 7 centimeter. Find the breadth of the rectangle. बताएं। लेकिन सोल्व कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो पूरा सोल्व करवा दूंगी। डोंट वरी, यू आर बैक, वेलकम बैक। इधर आंसर 10 जी। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ब्रेड दिया हुआ है, पैरामीटर पूछा हुआ है। कर दो यार जल्दी जल्दी, कंपेयर कर दो, करो। 5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर एंड यू हैव टू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। जल्दी जल्दी 10, फास्ट एंड फास्ट। और मैं सोल्व करवाती हूँ, इतनी देर लगा देते हो कैलकुलेशन करने। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज, थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना देते हैं। ये हो गया अपना रेक्टेंगल, ये हो गया अपना स्क्वायर। रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल भी स्क्वायर लग रहा है क्या यार, क्या क्या अब ठीक। रेक्टेंगल के बारे में बोल रहे, रेक्टेंगल की लंबाई 14 मीटर है, उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर कम है, यानी 8 मीटर हो गई। रेक्टेंगल का एरिया 14 इंटू 8 हो गया, इसके आधे से यानी कि 56 से 7 कम यानी कि 49 स्क्वायर का एरिया है, यानी इसकी साइड 7 मीटर है। 7 मीटर, ये बात मीटर में जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ऊपर वाला ऑप्शन मीटर में है, मीटर में। इसका एक साइड 7 मीटर की है, तो इसकी 4 साइड 28 मीटर। 28 मीटर मतलब 2800 सेंटीमीटर, कबाड़ा तो वही हो जाना है। नीचे कुछ ही दम लगा लो, इसको सेंटीमीटर लिखना चाहिए था ऊपर वाला भी, फिर आता कंपैरिजन का मजा। ब्रेड्थ 6 नहीं है, ब्रेड्थ 6 कम है, 6 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। इसको सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, इसने ये गलती से, या तो गलती से हुआ है या फिर गोशन ने जान करके किया कि बच्चे को सेंटीमीटर दिखे ना और बच्चा कर दे कबाड़ा। चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन। वैसे तो आइडिया हो ही गया, ऊपर वाला सेंटीमीटर में ज्यादा है, ऊपर वाला बड़ा होगा। चलो ये तो समझ में आ गया हमें। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये तो समझ में आया ना, क्या किया, एरिया निकाला, इसका हाफ किया, उससे 7 कम 49 हो गया। 49 इसकी साइड, इसका एरिया तो 7 इसकी साइड हो गई, साइड इसकी 7 है, तो इसका पैरामीटर 4 बार 28 बन गया, 28 को मैंने 250 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इधर देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आदिति, स्क्वायर का पैरामीटर दोगुना है रेक्टेंगल के पैरामीटर से। स्क्वायर का पैरामीटर है 48, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हो गया 24। 24 मतलब 2 इंटू एल प्लस बी 24 है, यानी कि एल प्लस बी कितनी है 12, और लेंथ दे रखा है 7, ब्रेड्थ पूछ रहा है 5 आएगी, 5 वो भी सेंटीमीटर। कोई दूर दूर तक तुलना नहीं है, क्वांटिटी 1 इज मोर। समझे बेडू, क्वांटिटी 1 इज मोर देन क्वांटिटी 2। वैसे तो इनको सेंटीमीटर लेना चाहिए था, ठीक है। चलो, अब इन्होंने जो लिया हम इनको रोक तो सकते नहीं, इनकी खुद की मर्जी, इनकी भी अपनी जिंदगी है, जीने दो इन्हें भी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से करिए कंपेयर। क्वांटिटी 2 तो सेंटीमीटर में ही चल रही है ना सारी, बाय चांस आ रहा है ऐसे, ठीक है आदिति, इट इज बाय चांस। Ratio of A's age to B's is this much. A will be 26 years old after 6 years. What is B's now? B की एज now क्या होगी वो पूछ रहा है। क्वान्टिटी 2 बोल रही है रेशियो परसेंटेज ऑफ A and B is this. A's age of B exceeds half the age of C by 6 years. Also the sum of age of B and C is this. Find the present age of A. बताइए क्वान्टिटी कंपेयर करके। तुमने डायरेक्ट आंसर क्या करो, ज्यादा चलाक मत बनो, बहुत चलाक बनते हो, ये मेरे साथ धोखा है। चलो करें इस क्वेश्चन। ए और बी की एज का रेशो आपको दिया हुआ है 4:3। ए की एज 26 साल हो जाएगी आज से 6 साल बाद। जो इंसान आज से 6 साल बाद 26 साल का होगा वो आज 20 साल का है। तो अगर ए 20 साल का है आज, तो इसका भाई बी आज कितने साल का है, 15 साल का। बी तो हो गया 15 साल। अब दूसरी इक्वेशन को पकड़ते हैं। ए और बी की एज की रेशो दी हुई है, ठीक है मैडम जी। एज ऑफ बी एक्सीड्स हाफ द एज ऑफ सी बाय 6 ईयर्स। बी की एज एक्सीड कर रही है सी की एज के आधे से 6 साल पर, और बी और सी की एज का सम 2 साल पहले 32 साल था। नेहा प्रवीण जी, जिनकी एज का सम 2 साल पहले 32 साल था वो आज तो 36 साल के हो गए ना। दो लोगों की एज का सम आज से 2 साल पहले 32 साल था, तो आज तो 36 हो गया ना, दोनों दो दो बढ़ गए ना, 4 बढ़ के 36 हो गए। ठीक है, चलो जी इक्वेशन बना दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ 12 बन जाएगा, 6 दूनी 12 बन जाएगा। मैंने 2 हटा दिया, ये ऐसे बन गया बी प्लस सी इज 36। मुझे किसकी एज चाहिए, ए की एज चाहिए। मैं बी की एज निकाल दूं, दोनों इक्वेशन ऐड कर दूं, 48। बी की एज कितनी आ रही है 16, बी की एज कितनी आ रही है 16, 4 गुना। ए की एज कितनी हो जाएगी 12। प्रभु ए की एज 12 हो गई, ए की एज 12 हो गई, ए की एज 12 हो गई। किस्मत ऐसी है कि इसका भी आंसर 5th हो। कुछ कुछ समझ में आया क्या होता है क्वांटिटी कंपेरिजन? ठीक है, LIC AO मेंस के जो क्वांटिटी कंपैरिजन थे, जिनकी कैलकुलेशन का जो स्ट्रेंथ था वो इसी तरह से थे, ठीक है। मतलब ADO के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल्स हैं ये। कुछ समझ में आया? कल इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे हम, ठीक है। 6 क्यों आया पूजा भगत जी, रीचेक करिए ना एक बार, रीचेक मार लीजिए। कोई है ऐसा जिसको मेरी बात ना समझ में आई हो? जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, स्कैन करिए, सर्च करिए, एनीहाउ ज्वाइन करिए, ताकि सारे सेशंस में आप आ सकें। सुपर कोचिंग में जुड़ने के लिए आप गूगल पर जाइए और इस अवसर सेल का फायदा उठाइए। ये आखिरी मौका सेल है, सुपर कोचिंग पर जाइए, 2-2 फायदे उठाइए, ठीक है। एक तो टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग पर जब आप जाएंगे ना तो आपको एक तो मिलेगा सौरव सर से मिलने का मौका, दूसरा आप लोगों को सुपर कोचिंग में मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो अवेल कर लेना ये डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, ठीक है। लाइक कर देना सेशन को। हाउ कंजूस हो, ये सेशन हाफ आवर का ही होता है पूजा।